वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ में याद रहे तू, ए वतन मेरे वतन, ए वतन मेरे वतन, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से, तू ही मेरी मंजिल है पहचान तुझे से, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, पहुँचूँ मैं जहाँ भी मेरी बुनियाद रहे तू, ए वतन मेरे वतन। सर कैप्टन बत्रा के वहाँ से खत है, उनके पिताजी ने लिखा है। अच्छा, बत्रा के घर से कर? देखो तो क्या। 20 साल को 7 जुलाई को उनके बेटे की पहली पुण्यतिथि है और वो उस जगह पर आना चाहते हैं जहाँ उनका बेटा शहीद हुआ था। अरे हाँ कह लो, मैं खुद उन्हें लेकर जाऊँगा। ठीक है सर। आज का दिन 7 जुलाई 2000। आइए। अरे आप तो बड़े ऑफिसर हो, आपको मुझे पैर छूने की और सलामी देने की कोई जरूरत नहीं है। सर मैं इकलौता इंसान था जो वहाँ पे उनके साथ मौजूद था। मैंने देखी है आपके बेटे की वीरता। पाकिस्तानी हम पे हर सेकंड गोला बरसा रहे थे, तभी मुझे देर चार लेके पाकिस्तानियों के बंकर में ग्रेनेड फेंकना था। तभी आपके बेटे ने पीछे से बोला कि अरे सर आप पागल तो नहीं, आपका तो पीछे परिवार भी है, मैं अविवाहित हूँ, मैं डेथ चार्ज दूंगा। और तभी उन्होंने बड़ी बहादुरी से डेथ चार्ज लेके पाकिस्तानियों के बंकर में ग्रेनेड फेंक 13 पाकिस्तानियों को मौत के घाट उतार दिया। अब वह इलाका हमारा था। मैं जब उनके पास गया तो मैंने देखा आपके बेटे के शरीर पर पूरी 42 गोलियां लगी थी और उन्होंने मुझे देखा और अपनी आंखें मुझे। वो बैग लाना जरा, ये मैंने मेरे बेटे को गिफ्ट देने के लिए उसकी फेवरेट ब्रांड की शर्ट खरीदी थी, लेकिन वो तो आया ही नहीं। आज मैं इसे इधर रखने आया था, लेकिन मैं इसे आपको दे रहा हूँ, क्या आप पहनोगे? मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मरुस्थल की रेत हूँ मैं, सियाचिन का आसमान हूँ। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ। मैं जून में जलती रेत पे लेटे कहता हूँ सर्दी आज कम है, दिसंबर की ठंड पीकर कहता हूँ गर्मी का मौसम है। मैं 9 दिन बर्फ में दफ्न रहकर जिंदा करता हूँ, मैं 9 दिन बर्फ में दफ्न रहकर जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांस को टुकड़ों में भरता हूँ, मैं हिंद महासागर की लहरों के कपड़े बदलता हूँ, -30 डिग्री में राइफल था टहलने निकलता हूँ। आदमजात की औकात क्या जब मैं कुदरत से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उठाने का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं, चांद हर ईद तन्हाई का मुफाजा लाता है, मुझे राखी बांधने बस एक लिफाफा आता है। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान। वो मर के भी अमर हो जाते हैं, भारत माँ की गोद में वो सर रख के सो जाते। पढ़ाई हो रही है? अरे पापा मैं आपके लिए कविता लिख रहा हूँ, जरा दिखाओ। अरे पापा पहले खत्म तो हो जाने दो कविता। बेटा ये कविता लिखना बंद करो और पढ़ाई पे ध्यान दो। पढ़ाई पे तो ध्यान मैं दे ही रहा हूँ, आपसे भी बड़ा आर्मी ऑफिसर जो बनना है मुझे। जरा मुझे कोई न्यूज़पेपर तो लाकर दो। तो मैं
वनाम पापा कैसे हो? अरे बेटा तुम तो इतने बड़े आर्मी अफसर हो, मेरे लिए न्यूज़पेपर क्यों लाए? पापा ऑफिसर तो मैं देश के लिए हूँ, पर आपके लिए तो मैं आपका बेटा ही हूँ। बेटा इस समय तुम लंदन की छुट्टी पे आए हो, तो हम दोनों बैठकर ढेर सारी बातें करेंगे। कारगिल वॉर स्टार्ट हो गया है, सोल्जर्स हो सके उतनी जल्दी पोस्ट पर रिपोर्ट कीजिए। सर एक गुड न्यूज है और एक बैड न्यूज है, पर हमने दोनों बंकर पर कब्जा कर लिया है, लेकिन हमारे दोनों कैप्टन शहीद हो गए। जिसे मिलने को मुझे रहता था हर वक्त इंतजार, ओ मेरे बहादुर पापा, मैं फौजी बनकर आपकी अधूरी कहानी पूरी करूंगा। मैं आंसू नहीं दुश्मनों के सर गिराऊंगा। सर भारत माता की जय। The day is celebrated every year on 26 July to commemorate India's historic victory over Pakistan and to pay tribute to the brave soldiers who laid down their lives for the motherland. It was the day in 1999 when India won the Kargil War against Pakistan. Lehrado, lehrado, sarkashi ka parcham lehrado. मिलिट्री सीक्रेट जानने के लिए उन्होंने सौरभ कालिया और उनके पांच साथियों के साथ बड़ा ही खराब व्यवहार किया। ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, ए वतन वतन मेरे